आज देखो सेल रोटी गुड़ की वजह से कलर भी अच्छा आएगा रोटी में। बेटे के शादी में मैं बोलूंगा मेरा तेला रोटी ऑक्टोपस जैसा होगा दूसरा रोटी झूर का भी खाना नहीं दे पाता कांटेदार रोटी हो गया। देखो एनाकोंडा भी बनाया है हमने एक-एक रोटी पकड़ो। गुड आफ्टरनून गाइस, स्टार सिटी ले से वारे फिफुल नमस्ते। दिस इज योर दर्शन थमांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन ब्लॉग। फिर से मतलब गाइस देखो बारिश बारिश बारिश, मतलब कल रात से ही बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है गाइस। बारिश के मौसम में यहाँ पर ऐसे होते हैं। देखो पूरा मकड़ी ने जाल लगाया है यहाँ पर भी मकड़ी का जाल, ये देखो पूरा जाल लगाया है। और ये मकड़ी का जाल में ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर रहते आते हैं और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली। मम्मी जी के फूल के ऊपर भी ऐसे मकड़ी का जाल लगा हुआ है और फूल भी अच्छा अच्छा हो गया है। अरे बाबा भीग गए रे बाबा। अच्छू अच्छू हेलो मम्मी, गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून, नमस्ते सबै जनालाई। नमस्ते। आज दिन हरेस भइराछ। हरेस दिन हो गया मम्मी जी। कुछ करने को मन नहीं कर रहा है ना। अच्छू खाना खा के सिलोटी पोल के। आज ना मम्मी जी कुछ बनाने वाले हैं, आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में। और गाइस स्पेशली ये है मम्मी जी मतलब संगीता किचन स्पेशल के लिए गिफ्ट है। और ये दो, इसमें दो है और भी एक आ रहा है तो मैं इसको साथ में अनबॉक्सिंग करूंगा आज नहीं, क्योंकि इसका और भी एक पैकेट आ रहा है ना, उसके साथ में तीनों पैकेट करेंगे। हाँ संगीता किचन का ब्लॉग नहीं बनेगा आज। तो गाइस डैडी जी भी आ गए भीग के पूरा। कहाँ से गए डैडी जी? भीग गए टाइम को किचन में। और देखो गाइस बाहर का मौसम, ओहो ऐसा है। और ऊपर गाइस एक्चुअली ना अभी लंच टाइम हो गया है तो हम लंच खा रहे हैं, तो पहले डैडी जी और हम खाएंगे क्योंकि असुन आ रही है ना, तो असुन आने के बाद मम्मी जी और उसके साथ में। तो गाइस आज लंच स्पेशल में है संगीता किचन स्पेशल। ये आलू, इसमें निंगरो मिक्स है प्योर वेज, इसमें डाले को चाहिए। और ये है कुछ स्पेशल सूप, अंडा बनाएंगे। और गाइस कल ना दही चिवड़ा है, जैसे कि मैंने पिछले साल भी मैंने ब्लॉग बनाया था दही चिवड़ा का, तो दही चिवड़ा स्पेशली हम असार के 15 तारीख मतलब नेपाली कैलेंडर में हम उसको देखते हैं, तो असार 15 तारीख को 15 गते हम बोलते हैं, 15 गते असार 15 गते को हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके बारे में मैं कल वाले वीडियो में बनाऊंगा, तो उस टाइम ना हम सुबह सुबह दही और चिवड़ा खाएंगे, उसका ब्लॉग कल होगा। और उसके लिए आज मम्मी जी कुछ स्पेशल डिश बनाने वाली है, सेल रोटी ना मम्मी। कौन बनाएगी? तो आप बनाओगे? योजु की बुलाओ ना, योजना अच्छा बनाती है। जी खाना कैसा हुआ? अच्छा किनेमा को सूप। ये किनेमा मीन्स सोयाबीन सीड्स का सूप होता है। ये जो ना स्पेशल सूप होता है सोयाबीन सीड्स का सूप होता है, ऐसे मौसम में अच्छा है ये सूप खाना। तो चलो अंडा भी आ रहा है गाइस। वेरी स्पाइसी अंडा। ये डल्ले खोर्सानी इतना पीरो है ना, मतलब इतना स्पाइसी है। और मतलब हम लोगों को ना मतलब स्पेशली दार्जिलिंग नेपाल में रहने वाले लोगों को डल्ले खोर्सानी बहुत पसंद होते हैं, सब लोगों का फेवरेट होता है। और ना मतलब अगर कोई दिल्ली से मुंबई से कहीं बाहर से लोग घर अपने घर आते हैं तो वापस वहाँ जाने के टाइम में ना मतलब डल्ले खुर्सानी पूरा पैक करके ले जाते हैं, मतलब इतना लगाव है डल्ले खुर्सानी से। लेकिन ये इतना स्पाइसी होता है ना, और इसके बिना हम लोगों को खाना एकदम सादा सादा लगता है गाइस। दामी ये है संगीता किचन का प्यार। ओके गाइस मैं और डैडी जी का खाना हो गया कंप्लीट, और मम्मी जी और असु खाना खा रहे हैं अभी। देखो असु एकदम फ्रेश होके दबा के खा रहे, दबा के काम करने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन कर रहा है। आप लोगों को कुछ चाहिए संगीता किचन? संगीता किचन से कुछ चाहिए? भात चाहिए, ठीक है। अरे बोलो ना यार, मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना। कितना चाहिए असु? टेबल नंबर 24। कितना चाहिए मम्मी जी को? झोल भी? झोल भी चाहिए? सूप चाहिए? सूप सूप नहीं चाहिए हमको। असु को झोल झोल चाहिए, छोकरा नहीं चाहिए। तो छोकरा मैं कैसे वैसे अलग करूँ? झोल खत्म हो गया असु, थोड़ा बहुत छोकरा भी आ गया। पानी कैसे दो? नॉर्मल दो, ठंडा दो, बोतल का दो, नलका का दो, टेबल साफ करो किचन के। गाइस जैसे कि मैंने बताया आज मम्मी जी कुछ स्पेशल डिश बनाने वाली है। और ये गाइस यहाँ पर अभी गुड़ पकड़ा है, तो
तो ये उमल के अभी रेडी हो गया, तो मम्मी जी अपना व्लॉग में भी डालेगी। चलो मम्मी ये बंद कर दे ला मैं भीज। अगर इसे देखो ये लोग जुगाड़, ये स्टिक यहाँ पर रखा है फोन, सेल्फी स्टिक है अनिटस, इसे कहते हैं असली जुगाड़। मौसम को तो देखो अभी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ना गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी जी आज बना रहे हैं सेल रोटी, तो सेल रोटी कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और गाइस एकदम धीरे धीरे चलना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। और गाइस सेल रोटी बनाने के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैं ये बैम्बू स्टिक है तो ये भी ज़रूरत है एक, तो ये भी लेके जा रहा हूँ। तो इसको मैं कहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ आप लोगों को बताऊँगा। देखो मम्मी जी आज स्पेशल डिश बना रही है और असु और मम्मी मिलके, और ना ये गाइस स्पेशली हम दही चिवड़ा स्पेशल के लिए बना रहे हैं। तो आप लोगों ने मतलब पिछले वाले व्लॉग में भी देखा, मतलब दही चिवड़ा ने हम लोगों ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था, और दही चिवड़ा के बारे में मैं कल ही बताऊँगा कि क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम स्पेशल डिश बना रहे हैं, तो ये एक स्पेशल ऑथेंटिक नेपाली डिश है, नेपाली क्विजिन। और रोटी जैसे कि हम बोलते हैं सेल रोटी, तो गोल गोल वाला जो रोटी है वो नेपाली यू नो एवरी फंक्शंस में, एवरी ओकेजन्स में, एवरी सेलिब्रेशन में हम वो रोटी खाते हैं, बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं, ठीक है। तो इस बार भी हम लोग सेल रोटी बनाने वाले हैं, और मम्मी जी ने स्पेशली ये है चावल का आटा, चावल को पीस के बना के रखे है, ठीक है। और ये है दूसरा वाला आटा, जो आटा का पेस्ट बना के रखा है मम्मी जी ने। और ये है गुड़, ये गुड़ को मैं मम्मी जी ने फ्राई करके इसको ओके गुड़ को पका के उसको पानी में बॉइल किया है। ये चीनी पूरी कम थी आज, थोड़ा थोड़ा चीनी और थोड़ा गुड़, ठीक है। तो इसका प्रोसेस मैं दिखाऊंगा बाद में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और मैं ये लेके आया हूँ गाइस क्योंकि सेलोटी चलाने के लिए इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं बना के लेके आता हूँ गाइस। एक्चुअली ना मैं अभी यहाँ पर अपना ये चूल्हा वाले रूम पे आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हा है, यहाँ पर चूल्हा का आग तो बुझ गया है, और यहाँ पर मम्मी जी ने छुरपी सुखाया है क्योंकि ये पिछले बार का छुरपी जो एक्चुअली दुकान में सेल करने वाला छुरपी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, मॉइस्चर की वजह से इसमें जो वो होता है ना वो क्या बोलते हैं एकदम ख़राब हो गया था मॉइस्चर की वजह से, तो उसको सुखा रहे हैं, मतलब सूखने के बाद अच्छा हो जाएगा ये। मैं अभी बना रहा हूँ झीर, ये बैम्बू स्टिक है, इसको थोड़ा सा साफ़ करके स्ट्रेट बनाना है। ये देखो ये मैंने बना लिया है, और इसको हम कहते हैं झीर। और ये ना ये सेलोटी को ऐसे निकालने में और इसको अलट पलट करने में काम आता है, ठीक है। और ये बाद में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को ये कि कहाँ पर यूज होगा। और देखो गाइस हमारे ठुलिया माँ भी आ गई है यहाँ पर, हम ही सिखाएंगे हमको सेलोटी बोलने में मदद करेंगे। और गाइस मम्मी जी देखो ऐसे होता है ये सेलोटी का वो आटा, और ये गुड़ का पानी और डालना पड़ेगा, ये गुड़ की वजह से कलर भी अच्छा आएगा रोटी में। इसमें कलर डालना नहीं पड़ेगा, गुड़ के उससे तरह से कलर आएगा इसका। रात हुन्छ मम्मी जी सेलोटी डालने के लिए रेडी है, और यहाँ पर तवा में तेल भी अभी गर्म हो चुका है, बनने के लिए रेडी है, रेडी। और गाइस हम लोग भी सब अपने अपने मतलब एक एक सेलोटी ट्राई करेंगे बनाने के लिए, ठुलिमा भी है, ठुलिमा भी बनाएंगे, असु भी है यहाँ पर रेडी, और मैं भी गाइस ट्राई करूंगा। हमको तो उतना बनाना नहीं आते है ना, ठुलिमा मुझे भी नहीं आता है लेकिन ट्राई करेंगे। रेडी 1 2 3 अच्छा हो गया कति छिटो रातो भयो त। दामी भयो, कैसा लगा गाइस? बहुत अच्छा। झीर का काम ये मम्मी का कमाल, कैसा लगा गाइस? बहुत अच्छा। अरे एक तो है ना ठुलेमा, मेरा बेटा के बिहा मम्मी ऐसे गर्छन्। हां बेटे के शादी में मैं बोलूंगा इधर डालना पड़ेगा, ये फर्स्ट है हमारा रोटी। फर्स्ट रोटी थोड़ा काला काला हो गया हम जैसा, डोंट माइंड गाइस।
गाइस अभी ठुलिया मां का टर्न है, लेकिन ठुलिया मां नाम का ठुली छोटी है, इसलिए यहाँ पर किराने पर चढ़ के बना रही है। आज हो भाई क्या आम उल्टा भा उल्टा दामी खोल आँच कति हालेको छ रामाले यस्तो भाई देखो गाइस। ये देखो मम्मी जी ने इतना सारा बना लिया सेलरोटी ऑलरेडी। और गाइस ये देखने के बाद मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन हम ये अभी नहीं खा सकते, इसको ना पहले चढ़ाना पड़ता है तो फिर उसके बाद हम खा सकते हैं। तो अभी मुंह में बाढ़ आ रहा है गाइस। ओके रेडी दामी इस आंसू डाल रही है यहाँ पर। मेरा रोटी आंसू का पहला रोटी, पहला प्यार जैसा हुआ है। भगवान मेरे आंसू के सर पानी कोले हाल सकता फर्स्ट में। तो तुम्हारे रोटी का जो रस्सी है ना टूटने वाला है, देखो इतना पतला है। मैंने बोला ना मेरा जैसे थोड़ा सा मोटी थोड़ा सा पतली देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट भन्ने थाहा छैन, अब बिस्तारै बिस्तारै हेर्नु कस्तो बनाउँदै रहेछ। जलेबी जैसा हो गया क्या ये, इसका शेप देखो अभी गाइस ये ऑक्टोपस जैसा हो गया। फ्लावर बनाए फ्लावर मैंने ऑक्टोपस बना दिया आशुने। ये सेल रोटी है फ्लावर समझा है क्या, सेल रोटी है ये छोटा सेल रोटी पुगने ये एकदम ऑक्टोपस जैसा हुआ। फ्लावर समझ रहे हां एक समझ ना ये सेल रोटी बनाए मैंने सेल रोटी फर्स्ट फर्स्ट ऐसा होगा हाथ धो के सब ये दुनिया वो सारा निकालना बोला था इसे गाइस। असु ने ये कैसा शेप का बनाया ये पता नहीं है क्या है, जलेबी जैसा बना जलेबी। अच्छे तरह से गाइस सेलोटी पकाने से पहले वाइन से आप धोना चाहिए। अच्छे तरह से धोना। नाउ माय टर्न। और देखो यहां से रोटी बना के दिखाइए। ऑक्टोपस बन के रेडी हो गया तो मैं मानूंगी। यहां पर गाइस सी फूड भी मिलता है संगीता किचन में, ये ऑक्टोपस है यहां पर रख दो। और गाइस नाउ इट्स माय टर्न। तो अभी मैं अपना चमत्कार दिखाने वाला हूँ। मुझे भी नहीं आता है गाइस। मेरा पता है मुझे असु से भी खराब होगा मेरा। नहीं यार नहीं आता है ना बड़ा वाला रोटी देखा सजिलो कत्रो उठाको ठीक उठा ना लास्ट का ऐसा हुआ था पता है मेरा पहला अच्छा हुआ था ना। एक जो काला काला देखो कितना निकाला है सुनिए काला झुरका गेंदा जैसा हो गया। गाइस रोटी मेकर स्पेशल है ना, 10 रोटी होने का सिर्फ 2-3 रोटी में खत्म कर दिया सबसे अच्छा डाब बनाती है ये दर्शन दादा जी का कान जैसा ये ये योजना के लिए नेकलेस
ये देखो डैडी जी आपका कान बनाया यो के गर्नु झुर्का भी खाना नहीं दे पाता बच्चा को पिटाई करता था ये झुर्का मतलब ये जो काला काला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ड्रॉप्स ये देखो गाइस ये मैंने बनाया है ये मैंने बनाया है असु ने बनाई हो ऑक्टोपस की तो गए तुम्हारा उसको तो दामी दामी देखो ये मैंने बनाया हां मैंने प्याजी जैसे कैसा है पकौड़ा है हमारे रोटी में पूरा कांटेदार रोटी हो रहा है देखो कोरोना रोटी मम्मी जी और ठूले मैंने बोला एकदम सिल्की सिल्की है ना हमारे यहाँ पता नहीं ये कांटेदार रोटी हो गया ये जंजीर होता है ना योजना स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट बंदे फिर बिगड़ जा रहा है योजना ने एक एनाकोंडा भी बनाया है दिखाऊंगा बाद में गाइस गाइस ऐसा हो गया हो गया ये सब थाली का रोटी हो गया इधर हमारा तो एकदम किरिंग मिरिंग होता है देखो ये दार्जिलिंग का रास्ता होता है ना ऐसा टर्निंग 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 जैसा ही हो गया ए हाय असु सेल रोटी का नियम होता है ना तो सेल रोटी पोलने से पहले यहाँ पर चूल्हा में कुछ चढ़ाना होता है अंतिम का जो बचा कुचा होता है ना थोड़ा बहुत बचा के उसको एक रखना पड़ेगा बाबर उसको बोलते हैं बाबर तो एक ब्रेड जैसा बनाना पड़ेगा ना एक जितना भी बचा कुचा है उसको एकदम ऐसे वहाँ पर रख देंगे तो गोल वाला बन जाएंगे वो खाने के लिए नहीं ऐसे मतलब ऑफरिंग टू गॉड द लास्ट वन दिस इज अ बाबर लास्ट का ये सब बनाना पड़ता है इसको बोलते बाबर बाबर बोलता है इसका तावा है ना इसको खाली नहीं निकलना चाहिए ना इसका तीन तो बाबर चल के निकलना पड़ेगा खत्म बाबर बाबर भी दिल सेट का बना है मामी जी देखो स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस ये लव है यहाँ पर हैप्पीनेस हैप्पीनेस तो टेढ़ा हो गया था मामी जी दिल दड़ गया ये दिल ना हो तो कैसा दिल और धड़कन साथ में रहना चाहिए रोटी लेके भाग रहा हूँ फाइनली सब लोगों ने सेलोटी पोल लिया है मतलब सेलोटी बना लिया है और गाइस बहुत ही अच्छा आप लोगों को दिखाऊंगा ये देखो सेलोटी मामी जी का साफ सफाई हो रहा है तो बाबर देखो मम्मी दिल दड़ गया अभी हम खा सकते हैं ना मम्मी जल्दी जल्दी चढ़ाओ ना फिर खाने का मन कर रहा है यार एक लेके भाग जाऊंगा ये रोटी नरम नरम गरम गरम नहीं ये रोटी कैसा हुआ है नरम नरम गरम गरम हुआ है संगीता किचन हो गया हो कितना खारा खुरुक कर रहे हो तुम मम्मी जी मम्मी ये देखो गाइस मम्मी जी वहाँ पर सेलोटी चढ़ा के आए हम लोग इसे करते हैं अभी मुझे चढ़ाओ सेलोटी तो गाइस एवरीवन इज टेस्टिंग सेलोटी नाउ ठुलेमा असु टेस्ट करो मम्मी तभी खाओ कैसा हुआ डैडी जी खाई योजना कितना खाई इसके साथ ना आलू दम होता तो और अच्छा था क्या क्या बोलता है रे बाबा डिस्टर्ब करता रहता है हमारा ब्लॉग में बुढ़ा आए राम्री खा रहे देखा कितने साल बाद खाया है सेलरोटी बहुत करोड़ों साल बाद खाया ये ठुलेमा को के ठुलेमा सिर्फ तपाईँलाई ल यो यो ठुलेमा बडा नै खा सक्थे होइन इसलिए हेल्प गरेर खानु
दशहरा और दिवाली में इस बार हम लोग बनाएंगे घर में खुद है आसु दिवाली में ना क्या बनाएंगे देखते हैं कंपटीशन। तो आज के ब्लॉग बनाने में बहुत ही मजा आया, सेलरिटी खाने को मिला, बनाने को मिला। और गाइस ये वाला ब्लॉग संगीता किचन में भी आएगा, तो मम्मी जी का किचन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गाइस चेक करना। लेकिन मेरा वाला पहला आएगा, पता नहीं किसका आएगा ये ब्लॉग। कौन आएगा सर? तुम्हारा पहला आएगा, तुम्हारा ये कल आएगा। ये देखो कोल्ड ड्रिंक वाला सेलरिटी। और देखो गाइस बाहर मौसम जैसा कहते हैं अभी फिर से बारिश बारिश बारिश, कितना बारिश होगा रे यार। सेलिटी बन गए, हो गए रेडी गाइस, ये साफ सब करना पड़ेगा। और गाइस कल का ब्लॉग भी बनाएंगे, दही चूरा स्पेशल। और एक्चुअली ये रोटी भी हम लोग निकल के लिए बना था, लेकिन आज थोड़ा बहुत जस्ट टेस्ट किया, बचा के रखे कल के लिए भी। वहाँ पर देखो बहुत सारे गाइस रोटियाँ पर, कल हम सुबह के बनाएंगे ना, सुबह एकदम से जल्दी से उठना है। ओके जल्दी से उठना है, हमेशा लेट उठती है लड़की, हमेशा नहीं आजकल। कौन से भाई सामे रोटी दामी। ओके गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, जस्ट आप लोगों को दिखाना था मतलब हम लोग ने मतलब आज क्या किया, सेलोटी बनाए वो बनाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारे मोमेंट्स पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती है आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे दो चूरा में। बाय सु, बाय 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 टू यू मैम, बाय।